में दिन ब दिन बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। घर से निकलने से पहले व्यक्ति हजार बार सोचता है कि बाहर निकले या नहीं, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन कहाँ है? नियम कानून तो बनाए गए, लेकिन इसका पालन कहाँ है? हर दूसरा व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त होगा, ऐसा मन डर में बैठ गया। आम नागरिक कहो या प्रशासकीय अधिकारी, कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा। इन सब के बीच सवाल आता है कि क्या शहर को फिर से लॉकडाउन की जरूरत है? क्या यही एकमात्र उपाय है? देखिए रिपोर्ट। शहर में कोरोना 46,000 के पार हो चुका है। शुरुआती दौर में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन नियंत्रण के आसार कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे। दिनों दिन हो रहे इजाफे ने फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शहर को फिर लॉकडाउन की जरूरत है? तो ऐसे में आर्थिक पहिया रुकने की भी संभावना है, लेकिन इन सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या प्रशासन अपने काम को लेकर सशक्त नहीं है, या नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में कम हो गए हैं? हर कोई अपनी मनमर्जी कर रहा है। जून महीने से कोरोना ने अधिक तेजी से फैलना शुरू कर दिया है, और वही समय है जब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आयुक्त के अनुशासन से काम करने का तरीका खटका, लेकिन इसका भुगतान नागरिक कर रहे हैं। आज कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। रोज 1,000 से ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं और 50 से ज्यादा लोग इसकी बलि चढ़ रहे हैं। इसमें आम नागरिक से लेकर अधिकारी कर्मचारी भी शामिल है, लेकिन इन सब में मानो प्रशासन हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। यदि लॉकडाउन लगता है तो फिर से गरीब जनता ही पीसी जाएगी, लेकिन प्रशासन कहाँ व्यस्त है पता नहीं। आए दिन प्रशासन की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही मरीजों में ऑक्सीजन की कमी है, अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। रोज आम जनता कोरोना से प्रशासन द्वारा हो रही असुविधा से लड़ रहा है। सवाल उठता है, प्रशासन किस बात का या बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? कब इन आंकड़ों पर लगाम लगेगी, और कब इस और गंभीरता से सोचा जाएगा, या फिर कोरोना नियंत्रण के लिए लॉकडाउन एकमात्र उपाय होगा? NBC News के लिए दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।